एक रोलर कोस्टर है, इस तरह से डिजाइन होता है सच दैट द राइडर एक्सपीरियंस वेटलेस एज गो राउंड ऑन टॉप ऑफ ए हिल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक हिल है जो सर्कल के फॉर्म में है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, ठीक है। एक हिल है और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये यहाँ पे ये टॉप ऑफ द हिल ये है, ठीक है। अब यहाँ से कोई रोलर जा रहा है इस टाइप से, इस तरह से जो इसमें राइडर है, तो वो यहाँ टॉप ऑफ द हिल जिसकी रेडियस सेंटर ए है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 मीटर दिया हुआ सेंटर हुआ है। अब कहता है टॉप ऑफ हिल एक्सपीरियंस वेटलेस, जब ये यहाँ पर जा रहा है टॉप ऑफ व्हील यहाँ पे, ठीक है, रोलर, तो वेटलेस फील कर रहा है टॉप ऑफ व्हील पे, वेटलेस फील कर रहा है। वेटलेस कब होता है फिजिक्स में? वेटलेस होता है, ये पाथ है, इस टाइप का पाथ है, ठीक है। तो वेटलेस कब होता है? वेटलेस कब होता है? जब नॉर्मल जीरो होती है, नॉर्मल जीरो होगा तो नॉर्मल जीरो होगा। तो जब रोलर यहाँ पर है तो इसे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ये देखें। हम सबको पता है कि एम जी तो लगेगी ही यार, एम जी वो लगेगी ही, ठीक है। ये एक ऐसा फोर्स है, ये मैं इसको बोलता हूँ ये गवर्नमेंट का टैक्स है, ठीक है। एम जी जो है वो गवर्नमेंट का टैक्स है। कोई भी अगर बॉडी है जब तक जीरो, ये तो हमेशा लगेगा भाई, हमेशा लगेगा और सीधा लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। अब चाहे कमाओ चाहे नहीं कमाओ, इनकम टैक्स दो या नहीं दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट टैक्स लेती ही लेती है आप लोगों से, ठीक है, सभी से। जैसे ही पैदा हो गया, इवन जो नहीं पैदा हुआ उस पर भी कर्ज होता है। तो जो ये होता है, ये एम जी तो लगेगी लगेगी नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, क्लियर है। अगर एम जी लग गई नीचे तो और कौन सा फोर्स लगेगा? अब मैं बताया था आपको कि कभी भी सर्कल पे कर्व पे चलने के लिए सेंटीपेटल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। मैं बताया था आपको, एग्जांपल दिया था, जिस तरह से बिना दूल्हे के शादी पॉसिबल नहीं है, उसी तरह से बिना सेंटीपेटल फोर्स के, ठीक है, बिना सेंटीपेटल फोर्स के कर्व पे या सर्कल पे चलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मान लो मतलब दूल्हा शादी से गायब हो गया तो शादी क्या है, शादी खत्म हो गई यार, वही उसी तरह से सेंटीपेटल फोर्स गायब हो गया तो सर्कुलर मोशन खत्म हो गया, कर्व पे खत्म हो गया, ठीक है, है ना। चलो तो ये यहाँ से यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, सेंटीपेटल फोर्स नीचे लगेगा एफ सी, ठीक है, जो कि एक अब ये सेंटी और नॉर्मल भी नीचे लगेगा, ठीक है। तो सेंटीपेटल तो बाद में आता है ना भाई, सेंटीपेटल बाद में आता है, रियल फोर्स इज नॉर्मल और एम जी है। तो अगर मैं इस पर इक्वेशन लिखूँ तो नॉर्मल प्लस एम जी मिल के देंगे सेंटीपेटल फोर्स, नॉर्मल प्लस एम जी मिल के देंगे सेंटीपेटल फोर्स। हम आपको बताए थे कि वेटलेसनेस फील होता है तो नॉर्मल जीरो हो जाता है, तो नॉर्मल अगर जीरो हो गया तो एम जी सेंटीपेटल फोर्स के इक्वल होगी और सेंटीपेटल फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल हो गया। पूछा क्या है इसमें, टॉप ऑफ द व्हील, हाँ, रोलर वेलोसिटी द स्पीड ऑफ द कार, तो यहाँ से वेलोसिटी आप निकाल लो, तो एम ने एम को ख़त्म कर दिया, तो यहाँ से जो स्पीड आ जाएगी वो आर जी अंडर रूट आ जाएगी। आर की वैल्यू 20 है और जी की वैल्यू 9.8 रखोगे, ठीक है, तो इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो 14.1 मीटर पर सेकेंड आ जाता है, ठीक है, 14.1। अब आपको यहाँ मिनिमम, नॉर्मल जीरो है तो मिनिमम इतनी स्पीड तो होनी ही चाहिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए इस टाइप का, ठीक है। तो स्पीड मस्ट बी, यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसे घूमने के लिए इतनी स्पीड तो होनी चाहिए या इससे अधिक हो, ठीक है, मतलब सी ऑप्शन सही है, बिटवीन 14.1।